एवरेज पर्सन 10 से 20 बार हर मिनट में अपनी आंखें ब्लिंक करता है और साइंटिस्ट के मुताबिक एक दिन में 28,800 बार आंखें ब्लिंक होती है। आंखें ब्लिंक होने से वाटर, ऑयल, म्यूकस स्प्रेड होता है जिसमें आंखों में से धूल साफ हो जाती है। आंखों का ब्लिंक होना रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी कि जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पर आंखें ब्लिंक होने का सिर्फ यही कारण नहीं है, इसके और कौन सी वजह है ये आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Reasons of blinking eye। जब आंखों में डस्ट जाता है या फिर आप ब्राइट लाइट की तरफ देखते हो तब आंखें डैमेज ना हो इसीलिए ब्लिंक होती है, ताकि डस्ट पार्टिकल्स आंखों में ही ना रह जाए। और जब आप पावरफुल लाइट की तरफ देखते हैं तब चांसेस है कि उस लाइट के हार्मफुल रेज आंखों पर इफेक्ट करे, इसीलिए ब्लिंक करने से लाइट रेज आंखों पे इफेक्ट होने से स्टॉप करती है। आंखों का ब्लिंक करना उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे कि बुक पढ़ते वक्त आप सेंटेंस के एंड में ब्लिंक करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस रीडिंग से आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है, और सेंटेंस के एंड में जब हम पॉज लेते हैं तब आंखें ब्लिंक होके सेकंड के लिए रेस्ट करती है। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, टीवी, ये सब देखते वक्त आप बहुत कम बार आंखें ब्लिंक करते हैं। एनल्स ऑफ न्यूरोलॉजी स्टडी के मुताबिक छोटे बेबीज अडल्ट से कम टाइम आंखें ब्लिंक करते हैं, और जैसे बच्चे बड़े होते हैं तब ज्यादा ब्लिंक करते हैं। छोटे बेबीज इसीलिए कम ब्लिंक करते हैं क्योंकि उनके आंखों पे ज्यादा स्ट्रेस पड़े या तकलीफ हो ऐसे काम नहीं करते हैं, और बेबीज की आंखें अडल्ट से छोटी होती है जिससे आंखों में डस्ट नहीं जा सकता। तो अडल्ट ही ज्यादा आंखें क्यों ब्लिंक करते हैं ये एक इंटरेस्टिंग बात है। रीडिंग, वॉचिंग, लिसनिंग ये एक्टिविटीज करते वक्त हम 3 गुना कम नेचुरली ब्लिंक करते हैं। ये आंखों का ब्लिंक होना ब्रेन के लिए छोटा सा रेस्ट पीरियड होता है, जो कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे माइंड ने रेस्ट ले ली है, और ये हमें फोकस्ड और अटेंटिव रहने में भी हेल्प करता है। आंखों का ब्लिंक होना अनकॉन्शियस ब्रेन की एक्टिविटी है, और कॉन्शियस ब्रेन को पता नहीं चलता है कि हम जागते हुए रेस्ट ले रहे हैं मेंटली। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लिंकिंग। स्पॉन्टेनियस ब्लिंक, जब आप सहजता से आंखें ब्लिंक करते हैं बिना कोई एक्सटर्नल या इंटरनल एफर्ट्स के, उसे स्पॉन्टेनियस ब्लिंकिंग कहते हैं। ये ब्लिंकिंग हमारे प्री मोटर ब्रेन स्टेम में होता है बिना कोई एफर्ट्स के। जैसे कि डाइजेशन और ब्रीदिंग अपने आप चलता है हमारी बॉडी में, वैसे ही ये स्पॉन्टेनियस ब्लिंकिंग होता है। रिफ्लेक्स ब्लिंक, जब आप आंखों की पलकें बहुत जल्दी ओपन और क्लोज करते हैं तो रिफ्लेक्स ब्लिंकिंग होता है। रिफ्लेक्स ब्लिंकिंग स्पॉन्टेनियस ब्लिंकिंग जितना फास्ट नहीं होता है। तो क्या आप सोच सकते हो कि आपकी आंखों ने ब्लिंक करना स्टॉप कर दिया तो क्या होगा? पहले तो ऐसा लगेगा कि क्या ये रियल में पॉसिबल है, क्योंकि हम जब जागते हैं तब आंखें ब्लिंक होती ही है, सिर्फ सोते हैं तब पूरी तरह बंद होके रेस्ट करती है। अगर हमारी आंखें ब्लिंक नहीं होगी तो उसके क्या इफेक्ट होंगे तो वो भी जान लेते हैं। अगर इंसान को फोर्सफुली आंखें ओपन रखने को बोले थोड़ी देर तक बिना ब्लिंक किए, तो चांसेस है कि उस इंसान का कॉर्निया में मॉइस्चर नहीं रहेगा और कुछ दिखाई भी ना देगा। आंखें ब्लिंक नहीं होगी तो उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आंखों में धूल मिट्टी जाएगा और आंखों में ही रह जाएगा, क्योंकि जब आंखें ब्लिंक करती है तो धूल साफ हो जाती है अपने आप, और आपकी आंखों को कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो ये थी कुछ जानकारी आंखें ब्लिंक क्यों होती है इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।